हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑप्शन क्लासी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ऑप्शन क्लासी की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक इंट्राडे ऑप्शन स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ और उसका बैक टेस्ट करेंगे हम लास्ट 4 ईयर्स का, और देखेंगे कि क्या हमें प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए मिलता है, उस स्ट्रेटजी का कैसा परफॉर्मेंस रहता है, ठीक है। और इसी सब चीज़ों के रिगार्डिंग आज का वीडियो होने वाला है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। सो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम बैक टेस्ट प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पे हमारे, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते होगे कि मैंने एक स्ट्रेटजी, पहले तो मैं बता देता हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म है वो है एल्गो टेस्ट का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने पहले भी 2-3 वीडियोज़ बनाई हुई है कैसे इसको बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो आप इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो, मैं बता देता हूँ पहले भी, पर कि इस वीडियो का बनाने का पर्पस ओनली एंड ओनली एजुकेशनल पर्पस है, ठीक है। मेरा इस कंपनी के साथ कोई टाई अप नहीं है, और जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ उसको आप अपने रिसर्च करने के बाद ही आप डिप्लॉय कीजिएगा, इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की स्ट्रेटजी। मैंने स्ट्रेटजी का नाम दिया है स्ट्रैडल प्लस ट्रू स्ट्रैंगल एग्जिट 1515। तो आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो है, उसमें हम क्या करेंगे, एक स्ट्रैडल का यूज़ करेंगे और 2 स्ट्रैंगल का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो टोटल हम 3 एक स्ट्रैडल प्लस 2 स्ट्रैंगल का यूज़ करके स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि स्ट्रैडल की वजह से हमें मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट एरिया भी रहे और स्ट्रैंगल भी रहे, जिससे वाइड रेंज भी हमें मिलती रहे, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अभी मार्केट में जो फ्लक्चुएशन ज़्यादा चल रही है, ठीक है, अप डाउन मार्केट में ज़्यादा हो रहा है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, विक्स काफ़ी कम है लेकिन वॉलेटिलिटी भरपूर है। सो इन सारी चीज़ों को नलीफाई करने के लिए मैंने इस स्ट्रेटजी को ट्राई किया है, और इसके जो भी डिटेल्स है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सो ये एक इंट्राडे स्ट्रेटजी रहने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो स्ट्रेटजी है वो है बैंक निफ्टी के अंदर, और जो इसके अंडरलाइंग प्राइस ली हुई है वो कैसे प्राइस हम लेंगे, ठीक है। स्क्वायर ऑफ का पार्शियली रखा हुआ है हमने, आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर ऑफ लेग हो गया, नेक्स्ट आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये पहला हमारा स्ट्रैडल है, ठीक है, ये जो स्ट्रैडल है हमारा, ठीक है, फुल। अभी आप देखिए इसमें क्या क्या हमने सिलेक्ट किया है। हम सारी स्ट्रेटजी को 1 लॉट पे बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है। हमने सेल किया है वीकली कॉल ऑप्शन को ATM, ठीक है, वैसे ही हमने पुट को सेल किया है ATM, ठीक है। और हमने जो स्टॉप लॉस रखा है वो है 20% का स्टॉप लॉस रखा हुआ है, एंड जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो परसेंटेज में 5:5 है, ठीक है। मतलब जैसे हमारे फेवर में 5% मार्केट हमारे फेवर में आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस भी 5% से कम हो जाएगा, पास में आ जाएगा, ठीक है। सेम वे हमने पुट में भी रखा है, ठीक है, 5% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है एंड 20% का हमारा स्टॉप लॉस है। चलिए, तो ये हो गया हमारा स्ट्रैडल। अब बात करते हैं हमारा स्ट्रैंगल की। सो यहाँ पर आप देखिए, ये भी 1 लॉट में हमने सेल किया हुआ है, सेल पुट वीकली, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस OTM1। सो OTM1 मतलब क्या होता है, जस्ट जैसे कि 43,000 है, सो 43,000 के बाद नेक्स्ट OTM मतलब 43,100, ठीक है, एंड कॉल साइड में, पुट साइड में 42,900, ये हमारा हो गया OTM, ठीक है। सो OTM1 स्ट्राइक ली हुई हमने, इसका जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो है स्टॉप लॉस 20% का इसका भी, लेकिन इसमें हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, हम इसमें ओनली रीकॉस्ट पे दोबारा एंट्री लेंगे। अगर हमारा SL हिट हो जाता है 20% का और मार्केट रिवर्स होके उसी प्राइस पे आता है तो हम क्या करेंगे, रीकॉस्ट पे 1 टाइम एंट्री करेंगे। सेम वे हमने यहाँ पर कॉल सेल किया हुआ है, OTM1 स्ट्राइक प्राइस हमारी सिलेक्ट है वीकली एक्सपायरी में, इसका परसेंटेज स्टॉप लॉस परसेंटेज 20% है और रीकॉस्ट पे हम 1 टाइम एंट्री करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा स्ट्रैंगल 1, और अब हम चलेंगे हमारे स्ट्रैंगल 2 पे। सो यहाँ पर आप देखिए, 1 लॉट पे हमने बैक टेस्ट किया हुआ है, कॉल को सेल करेंगे वीकली एक्सपायरी, हमारा स्ट्राइक रहेगा OTM2, ठीक है। सेम वे यहाँ पर हमने पुट को सेल किया है OTM2 को, इसका जो स्टॉप लॉस है हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है, क्यों, क्योंकि
OTM जो है उसकी प्राइस एक तो कम रहती है, मान लीजिए वो 100 रुपये का है, अब उसके हम 20 रुपये का 20% का स्टॉप लॉस रखेंगे तो काफ़ी नज़दीक हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इसका स्टॉप लॉस जल्दी से हिट ना हो, इसी रीज़न से हमने इसका स्टॉप लॉस है वो थोड़ा 40% का स्टॉप लॉस रखा हुआ है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 20% एंड 15% का रखा हुआ है। तो ये हमारा कॉल साइड का हो गया। सेम वे हमने पुट साइड में भी OTM2 को सेल करेंगे, 40% का स्टॉप लॉस है एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 20% एंड 15%। ठीक है, तो ये हमारा हो गए, एक स्ट्रैडल हो गया और दो स्ट्रैंगल हो गए। ठीक है, टोटल 3 लेग हो चुके। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हमने एक ओवरऑल M2M का भी स्टॉप लॉस रखा हुआ है 4000। मतलब कि स्ट्रेटेजी के अंदर जब भी हमें ओवरऑल एक दिन के अंदर जब 4000 रुपीज़ माइनस शो होंगे तो ये हमारा पूरा ट्रेड है वो ट्रेड पूरा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उस दिन के लिए ख़त्म। चलिए, तो ये हो गए सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ क्या थी कि इसको हम टाइमिंग आप देख लीजिए, 9:25 पे हम एंट्री लेंगे और जो हमारा एग्जिट टाइम होगा वो है 1:15 पे। ठीक है, 3:15 बजे हम एग्जिट करेंगे। तो इसका जो बैक टेस्ट रिजल्ट है वो मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है 2019 से लेके और 2023। ठीक है, सो नियर अबाउट 4 ईयर्स का डाटा है। सो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप ग्राफ देख सकते हो, इसका जो ये जो ब्लू लाइन में दिख रहा है वो अंडरलाइंग एसेट है और जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं ये हमारा पे ऑफ का P&L का ग्राफ है। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया ड्रॉडाउन और अभी आप देखिए ये हमारा मंथली वाइज पूरे 4 साल का डाटा है। अब देखिए 2019, 20, 21 एंड 22, 23 तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो हम लास्ट 4 ईयर्स में देखिए आप ओनली 1 मंथ है जिसमें आपको लॉस हुआ है। सो ओवरऑल 2019 में 3,64,770 का हमें प्रॉफिट हुआ है। 20 में आप देखिए 6,41,000 का, 21 में 4,92,000 का एंड 22 में नियर अबाउट 3 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और अभी तक लॉस आप देखिए एक मंथ है ओनली जिसमें आपको लॉस देखने के लिए मिला है। सो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है क्योंकि हमने इसमें स्ट्रैडल प्लस दो स्ट्रैंगल लिए हुए हैं और उसको उस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जिससे क्या है कि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसको हम एब्जॉर्व कर पाए। आप ड्रॉडाउन भी देख सकते हो, 11,000, 15,000, 20,000, 21,000। ठीक है, तो हमें 21,000 के आसपास का ड्रॉडाउन देखने के लिए मिला है। हम कितना मार्जिन चाहिए, क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें भी मैं आगे वीडियो में आपसे एक्सप्लेन करूँगा। सो चलिए और डाटा देख लेते हैं हमारे कि हमें इसमें क्या डाटा देखने के लिए मिला है। सो ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो है 18 लाख के आसपास। ठीक है, टोटल ट्रेड्स हमारे 998 और एवरेज प्रॉफिट हमें पर डे 1800 रुपये के आसपास हुआ है। विनिंग रेशियो देखिए आप 66.23%। आप 66% नॉर्मली 60% से ज़्यादा अगर ऑप्शन सेलिंग में आपको मिल जाती है तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी कहलाती है। ठीक है, 34% के आसपास आपका लूजिंग स्ट्रेक्स है, लूजिंग परसेंट है। एवरेज प्रॉफिट है विनिंग ट्रेड में आपको नियर अबाउट 4,177 रुपीज़ एंड लूजिंग में है 2,800। जो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको सिंगल ट्रेड में हुआ है वो है नियर अबाउट 60,000। ये आई थिंक कोरोना के टाइम पे हुआ होगा। ठीक है, और जो मैक्सिमम लॉस है आपका वो है 7,550 रुपीज़। क्यों? क्योंकि हमने 4,000 का तो इसमें क्या रखा हुआ है, हमने M2M का स्टॉप लॉस रखा हुआ है। सो ये जो है वो हो सकता है कि कोई स्टॉप लॉस जंप हुआ हो और उसकी वजह से ये 7,000 के आसपास का आपको मैक्सिमम लॉस देखने के लिए मिला है पर सिंगल डे में। और मैक्स ड्रॉडाउन है नियर अबाउट 22,000 के आस 21,000 के आसपास और रिटर्न टू मैक्स ड्रॉडाउन है आप देखिए नियर अबाउट 21% के आसपास। और इसमें जो रिस्क टू रिवॉर्ड है आप देखिए वो है 1.47 का। ठीक है, एक्सपेक्टेंस ये देखिए आप 0.64 की मिल रही है हमें। मैक्सिमम विनिंग स्ट्रिक है, लगातार आप 10 ट्रेड विन करोगे इसमें और लगातार 5 ट्रेड में आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे डाटा थे हमारे इस स्ट्रेटेजी के। इसमें हम स्लिपेज भी ऐड कर देते हैं क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि स्लिपेज ऐड करके आप एक बार चेक करिए, तो स्लिपेज भी ऐड कर देते हैं। चलिए, हमने 0.5% का स्लिपेज ऐड कर दिया है तो अभी हमारा जो ओवरऑल लॉस जो प्रॉफिट है 18 लाख के आसपास का वो कम होकर 14 लाख के आसपास आ चुका है। ठीक है, और अभी भी आप देखिए आपकी 62-63% की विनिंग स्ट्रिक्स है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आप 4000 का है। ठीक है, एवरेज लॉस है वो 3000 का है। ठीक है, और ये है आपका 36,000 तक का आपका मैक्स ड्रॉडाउन चला गया है।
ठीक है। और रिस्क टू रिवॉर्ड अभी भी देखिए आपको 1.34 का मिल रहा है, एक्सपेक्टेंसी अभी भी आपको 0.646 की मिल रही है, और विनिंग स्ट्रिक 10 और 8 की मिल रही है। ये मैंने 0.5% का स्लिपेज इसमें ऐड किया है, तब भी आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है, तब भी आपको ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे रही है। अब बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी में हमें कितना मार्जिन की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रैडल और दो स्ट्रैंगल बेच रहे हैं। सो नॉर्मली स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल को बेचने के लिए आपको 1.7 लाख की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। सो हम यहाँ पर टोटल 3 कर रहे हैं, दो स्ट्रैंगल एंड एक स्ट्रैडल। सो हमें नियर अबाउट 5.1 लाख की रिक्वायरमेंट रहेगी कैपिटल की, ठीक है। प्लस हमारा जो मैक्स ड्रॉडाउन हम इसको लेके चल रहे हैं, जो हमें 0.5% के हिसाब से स्लिपेज के इंक्लूड करने के बाद जो हमें मिला है वो है 35,000। सो 35,000 प्लस 35,000 और ले लीजिए आप, डबल कर दीजिए तो 70,000 और, ठीक है। सो 70,000 और आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। सो ओवरऑल आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगा वो है 5.8 लाख के आसपास, या 5.7 लाख आप लेके चल सकते हो और इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पर मार्जिन जो हमारा मैक्स ड्रॉडाउन है उसको भी हमने इंक्लूड कर दिया है डबल क्वांटिटी से। सो 5.8 लाख के मार्जिन के हिसाब से आप इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, ये जो आपको रिजल्ट देखने के लिए मिला है 14 लाख के आसपास का 4 ईयर के अंदर, ठीक है। सो इसमें आप कंपाउंडिंग और ऐड कर सकते हो कि आपका 1 ईयर के बाद आपका प्रॉफिट मिला, आपको इंक्रीज हुआ आपका कैपिटल, सो आप अपने कैपिटल के साथ इसके लॉट साइज भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये सिंगल लॉट के हिसाब से हमने इसमें रखा हुआ है, ठीक है। सो आपको मैं बता देता हूँ, चलिए देखिए। सो यहाँ पर आप देखिए नियर अबाउट 360, 640। सो ओवरऑल यहाँ पर आप देखिए नियर अबाउट 60% के आसपास का प्रॉफिट है, ठीक है। ये तो 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट 100% के आसपास है, 5 लाख का कैपिटल है और 5 लाख में, और इसमें भी आपको नियर अबाउट 60% के आसपास, 50 to 60% के आसपास का प्रॉफिट देखने के लिए मिला है, ठीक है। सो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो ये स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छी है, आपको पूरे 4 साल में 1-2 महीने ही है जहाँ पर आपको लॉस देखने के लिए मिला हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप डे वाइज भी इसका प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हो, किस डे में कैसा परफॉर्म किया है इसने, ठीक है। जैसे फ्राइडे को हमने हटा दिया तो ये आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। आप मंडे को हटा के देख सकते हो तो आपको ये रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। सो वैसे आप अपने खुद से भी इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके स्ट्रेटेजी को और अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो उसकी सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो। जो हमारे मंथली आयरन फ्लाई की बैच है जिसमें हम मंथली आयरन फ्लाई ट्रेड देते हैं और उसका जो भी एडजस्टमेंट है वो सारे एडजस्टमेंट आपको ग्रुप में मिलेंगे। उसकी बैच आई थिंक अभी जो 27 जनवरी आएगी वहाँ से स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए भी जो भी डिटेल्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीकली प्रीमियम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो उसकी भी सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी या व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हो। सो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।